दोस्तों, एक ऐसा देश जहां की सरकार अपने हर एक नागरिक पर इस तरह से कड़ी निगरानी रखती है जैसे कि वे कोई आम लोग नहीं बल्कि कोई शातिर अपराधी हों। साथ ही वहां पर लोगों को सरकार की किसी भी प्रकार से आलोचना करने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गलती से भी सरकार के खिलाफ कुछ बोल या फिर लिख देता है तो फिर यह उसकी जिंदगी की आखिरी भूल बन जाती है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अपने ही पड़ोसी देश चीन के बारे में, जहां की क्रूर सरकार ने लोगों के बुनियादी मानव अधिकारों जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी धज्जियां उड़ा रखी है। अब इतना अत्याचार होने के बावजूद भी वहां के लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं, और चीन अपनी इतनी बड़ी आबादी को आखिर किस तरह से कंट्रोल में रखता है, और कैसे यह देश धीरे धीरे दुनिया का अगला नॉर्थ कोरिया बनते जा रहा है, यही सब हम आपको हमारी आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश माना जाता है, जहां इस समय लोगों की कुल आबादी 144 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी चीन की सरकार अपने नागरिकों को जिस तरह से कंट्रोल में रखती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। असल में चीन के अंदर ना तो कोई डेमोक्रेसी है और ना ही वहाँ किसी भी तरह की कोई पॉलिटिकल फ्रीडम है, क्योंकि चीन में वन पार्टी सिस्टम यानी कि सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी का राज चलता है, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। दरअसल साल 2013 में जब शी जिनपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बने तो फिर उन्होंने चीन के नियम कानूनों में बहुत सारे बदलाव किए, और उन्हीं बदलाव में से एक यह भी था कि उन्होंने साल 2018 में चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपने प्रेसिडेंट पद की टर्म लिमिट को ही खत्म कर डाली थी, यानी कि चीन में प्रेसिडेंट पद के लिए अब कोई भी इलेक्शन नहीं होगा और शी जिनपिंग जब तक चाहें तब तक चीन के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन में इससे पहले जब प्रेसिडेंटल टर्म लिमिट खत्म की गई थी तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पूर्व चेयरमैन माओ जेदोंग सत्ता में था, जिसे कि आज भी इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाहों में शुमार किया जाता है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी की अगर बात करें तो आज के समय में सीपीसी ना सिर्फ चाइनीज मिलिट्री को कंट्रोल करती है बल्कि चीन के प्रेसिडेंट पर भी पूरा कंट्रोल इसी पार्टी का ही है। अब यूं तो चीन में कुछ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद हैं, लेकिन ये पार्टियां सीपीसी के किसी भी फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज चीन में सीपीसी के परमानेंट मेंबर्स की गिनती लगभग 10 करोड़ पहुंच चुकी है, और यह नंबर इसलिए इतना खास माना जाता है क्योंकि सीपीसी का मेंबर बनना दुनिया के दूसरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनने से पूरी तरह से अलग है। जैसे कि अगर हमारे भारत का ही उदाहरण ले लिया जाए तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा फॉर्म भरकर या फिर अपने मोबाइल से सिर्फ एक SMS भेजकर ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य बन सकता है, लेकिन वहीं सीपीसी की अगर बात की जाए तो फिर इस पार्टी का मेंबर बनने के प्रोसेस की शुरुआत स्कूल जाने के ही समय से होती है। दरअसल चीन में स्कूल के समय से ही बच्चों को इस कम्युनिस्ट पार्टी का पूरा इतिहास पढ़ाया जाना शुरू कर दिया जाता है, और इस प्रोसेस को ब्रेन वॉशिंग कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चीन में बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी का आधा अधूरा इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें कि सीपीसी के सभी काले कारनामे उन बच्चों से छिपा लिए जाते हैं, और इस तरह से बच्चे अपने बचपन से ही कम्युनिस्ट पार्टी की खूबियों और अच्छाई को जानते हुए बड़े होते हैं, जिससे कि इनके जेहन में इस पार्टी की एक अलग ही छवि बन जाती है। लेकिन दोस्तों, सीपीसी का परमानेंट मेंबर बनने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी इंसान इस पार्टी का परमानेंट मेंबर तभी बन पाता है जब वो पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी यानी कि वफादारी को साबित कर देता है। अब लॉयल्टी साबित करने के बाद से उस व्यक्ति को सीपीसी की परमानेंट मेंबरशिप तो मिल जाती है, लेकिन सीपीसी का उस मेंबर के ऊपर से अभी भी शक खत्म नहीं होता है। असल में यह पार्टी किसी पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करती है, और इसीलिए वह हमेशा ही सभी को शक के नजरों से देखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीपीसी की अपनी एक अलग पुलिस फोर्स भी है, जिसमें कि 20 लाख पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और इन पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ही कम्युनिस्ट पार्टी के सभी 10 करोड़ मेंबर्स पर हर समय कड़ी निगरानी रखी जाती है कि कहीं कोई मेंबर सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। इसके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट चीन में आने वाले हर एक इन्फॉर्मेशन पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखती है, फिर चाहे वो इन्फॉर्मेशन किसी भी फिजिकल तरीके से आई हो या फिर ऑनलाइन। और इस काम के लिए भी सीपीसी ने अपनी एक अलग टीम बनाई हुई है, जिसमें कि करीब 45 लाख मेंबर्स रात दिन काम करते हैं, और इस टीम में काम करने वाले ये लोग ना सिर्फ बाहर से आई हुई इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं बल्कि साथ ही ये चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने और सरकार की पॉलिसीज को दुनिया भर में प्रमोट करने का भी काम करते हैं।
दरअसल चीन सरकार अपने लिए किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ तक कि दुनिया की हर वो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन जिस पर चीन की सरकार को क्रिटिसाइज किया जाता है, उन सभी को भी चीन ने अपने यहाँ से पूरी तरह से बैन किया हुआ है, जिसमें कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और विकिपीडिया जैसी सैकड़ों वेबसाइट व एप्लीकेशन शामिल हैं। इसके अलावा अगर बिजनेस की बात करें तो चीन की सरकार ने अपने यहाँ लोगों को प्राइवेट कंपनियां खोलने की अनुमति तो दे रखी है, लेकिन चीन में अपना प्राइवेट बिजनेस खड़ा कर पाना हद से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि चीन सरकार ने प्राइवेट बिजनेस पर इतने रूल्स और रेगुलेशन लगाए हुए हैं कि उनका पालन करते हुए बिजनेस कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकार के नियमों के अनुसार चीन में हर एक प्राइवेट बिजनेस को अपने सिस्टम में एक फायरवॉल इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ जाने वाले डेटा को फिल्टर किया जा सके। और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीनों में प्राइवेट बिजनेसेस को और भी बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए चीन सरकार द्वारा 100 से भी ज्यादा नए रूल्स और रेगुलेशन लागू किए जा चुके हैं। असल में चीनी सरकार को लग रहा है कि कुछ कंपनियां हद से ज्यादा बड़ी हो रही हैं, जिनके ऊपर लगाम कसने की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने नए रूल्स बनाकर कंपनियों के कर्ज उठाने और प्रॉफिट कमाने पर एक कैप यानी कि लिमिट लगा रखी है। यानी कि अब चीन के अंदर प्राइवेट कंपनियां उस लिमिट से आगे जाकर प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। दोस्तों, चीन एक ऐसा देश है जहां की सरकार अपने नागरिकों की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन सरकार ने अपने नागरिकों पर नजर रखने के लिए साल 2005 से 2014 के बीच पूरे चीन के अंदर लगभग 4.5 करोड़ कैमरे इंस्टॉल करवाए थे, जिनके जरिए वो देश के सभी नागरिकों की हर एक एक्टिविटी पर कड़ी नजर रखते हैं। और दोस्तों, रिपोर्ट्स की अगर माने तो चीन की यह सरकार अपने नागरिकों के फोन कॉल से लेकर उनके मैसेजेस, वेब ब्राउजिंग और सभी तरह की ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी अपनी नजर गड़ाए रहती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए पाया जाता है, तो फिर इसके लिए सरकार के द्वारा उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। और दोस्तों, ये दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहां पर इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री को देखकर ही लोगों को उम्र कैद तक की सजा सुना दी जाती है। यहां तक कि जर्नलिस्ट भी यहां पर अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि CPC किसी भी पत्रकार को उनके खिलाफ एक शब्द लिखने की भी अनुमति नहीं देती है। और अगर कोई पत्रकार हिम्मत दिखाकर सरकार या सरकार की किसी भी पॉलिसीज के खिलाफ कुछ लिख देता है, तो फिर यह उस पत्रकार की जिंदगी का आखिरी आर्टिकल बन जाता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चीन की सरकार हर साल $130 बिलियन की बड़ी रकम सिर्फ उन नई जेलों को बनाने पर खर्च करती है, जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, डेमोक्रेसी की मांग करने वाले और अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कैद किया जाता है। और यही वजह है कि चीनी सरकार ने अपने नागरिकों के मन में ऐसा डर बैठाया हुआ है कि वे लोग अपने सपने में भी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के बारे में नहीं सोच पाते हैं। अब चीन जिस तरह से अपने नागरिकों को कंट्रोल करता है और समय के साथ जिस तरह से उसका अपने नागरिकों पर कंट्रोल बढ़ रहा है, ऐसे में यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि चीन आने वाले समय में दुनिया का अगला नॉर्थ कोरिया बन सकता है। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही था, लेकिन अगर आप इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को लगातार देखना चाहते हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।